हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया एक बहुत बढ़िया ऐसा ड्रोन का वीडियो जो कि काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आर्मी में यूज़ किया जाता है। ड्रोन मात्र एक स्केल होता है ना, छोटा वाला, उतना ड्रोन, उतने साइज़ का, 16 ग्राम से भी कम, ऑलमोस्ट 16 ग्राम उसका वेट है, 16 ग्राम के वेट वाला एक छोटे स्केल के साइज़ का ड्रोन जिसकी कीमत 1,55,00,000 रुपए है। देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें कि ये जो ड्रोन एस्टेब्लिश हो चुका है फ्रेंड्स, काफ़ी आर्मीज इसको यूज़ कर चुके हैं, इंक्लूडिंग USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, और ये मिलिट्री ड्रोन है, मिलिट्री नैनो ड्रोन है, और इसका नाम है ब्लैक हॉर्नेट नैनो। तो ब्लैक हॉर्नेट नैनो के बारे में आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, और इस तरह की भी फीचर वीडियोज़ अब मैं इस चैनल पे लाऊंगा ताकि आपको पता लगे ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ तक पहुँची हुई है और किस किस तरह के ड्रोन्स अवेलेबल हैं इस वर्ल्ड में। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक हॉर्नेट नैनो के बारे में, जो कि 1,55,00,000 इन इंडियन करेंसी के हिसाब से ये ड्रोन है, लेकिन फिर भी ये बहुत किफ़ायती, मतलब इकोनॉमिकल माना जाता है अकॉर्डिंग टू द डेवलप कंट्रीज़, क्योंकि जो ये काम करता है ड्रोन वो इससे कई गुना ज़्यादा, यानी 50-50 करोड़ वाले जो ड्रोन्स हैं वो भी नहीं कर पाते थे, वो काम इस नैनो ड्रोन ने कर दिया। इसलिए ये ड्रोन रिप्लेसमेंट बना 50 करोड़ के ड्रोन का, 50 करोड़ रुपए वाले ह्यूज ड्रोन का। तो बात कर रहे हैं ब्लैक हॉर्नेट नैनो की। बहुत बड़ा था, उस साइज़ बड़े होने की वजह से उनको इस तरह से सर्वेलेंस, पर्सनल सर्विस करने के लिए यूज़ करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक रनवे चाहते थे। और ये जो ड्रोन जब 2008 में बनाया गया फ्रेंड्स, ब्लैक हॉर्नेट नैनो, जो कि आपको मालूम है जस्ट यूँ उड़ जाता है, 4 इंच लंबा इसकी लंबाई है और 16 ग्राम इसकी वेट है, तो फुटेज इसकी लाजवाब है। 3 कैमरा इसके अंदर लगे रहते हैं जो कि जूम की कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, जो सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि जवान की जैकेट में आके लग जाता है, और छोटे से जगह पर ही लॉन्च हो जाता है, और ऑब्स्टिकल्स, छोटे टाइनी खड्डे और जो बीच में हॉलो स्पेसेस होती हैं वहाँ से निकालता हुआ दुश्मन के बारे में एकदम एग्जैक्ट नॉलेज, इमेजिंग और वीडियोग्राफी प्रोवाइड करता है। ये बनाया गया था प्रॉक्सी डायनेमिक्स कंपनी द्वारा 2008 में, और तब ये लॉन्च हुआ था, और काफ़ी देश की मिलिट्रीज़ ने, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, श्रीलंका की, काफ़ी मेजर जो मिलिट्री प्लेयर हैं उन्होंने इसको टेस्ट किया और अपनी मिलिट्री के मॉड्यूल में शामिल किया। प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी नहीं है, बट स्टिल जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन ड्रोन है, जो कि हाई विंड्स को, प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन इसके जो रोटर्स हैं दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल और वो बिहाइंड वाला, काफ़ी अच्छे से विंड को हैंडल करते हैं और किसी भी एनवायरनमेंट में ये काफ़ी अच्छा। तो आप देख सकते हैं कितना मिनी एक खिलौना लगता है फ्रेंड्स, ये ड्रोन पर ये खिलौना है नहीं, ये मिलिट्री लेवल का ड्रोन है जो कि पर्सनल सर्विलेंस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें GPS के साथ साथ सब कुछ है, और इसको बनाया इसलिए गया था क्योंकि जब भी जवान जाते हैं लड़ाई के टाइम पे 60 पाउंड तक उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, और ये कई बार 100 पाउंड तक के भी वेट हो जाता है। एक सिनेरियो में एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो काफ़ी लाइट वेट हो और पूरा फ़ायदा दे, तो इस सिनेरियो में ये ड्रोन बहुत अच्छे से फिट होता था क्योंकि लाइट वेट है, रेंज इसकी 1 किलोमीटर तक कंट्रोल कर सकते हैं आप इसको, यानी जवान अगर दुश्मन से 1 किलोमीटर दूरी पर है तब भी ये बड़ी अच्छी वीडियो फुटेज जवान को दे देता है। जैकेट में उसका आगे मॉनिटर लग जाता है, तो उसी के अंदर ही इंडिविजुअली हर एक जो जवान है अपने आगे 1 किलोमीटर तक चारों तरफ देख सकता है कहां पर दुश्मन है, किस लेवल का उनके पास औजार है और एवरीथिंग। तो ये मिलिट्री लेवल का ड्रोन छोटे से छोटे स्पेसेस से भी निकल के आप मतलब फौजी को या जवान को इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और फ्रेंड्स, ये 25 मिनट तक का बैकअप देता है एक बार चलने के बाद, चार्ज होने के बाद, और चार्ज होने के लिए भी इसको आधा एक घंटा लगता है। फुल पैकेज में ये 2 ड्रोन्स आपको साथ में बेस जो इसका चार्जर और कंट्रोलर है सब मिला के पूरा सेट मिलता है। 3 कैमरा इसमें लगे हुए हैं इसके नोज़ में, जो कि जूम कैपेबिलिटी भी रखते हैं फ्रेंड्स, और वीडियोग्राफी के साथ साथ ये
स्टिल इमेजेस भी देता है। इसका 120 मिलीमीटर का हॉरिजॉन्टल रोटर है और 100 मिलीमीटर का पूरा इसका लेंथ है और 16 ग्राम इसका वेट है। तो इस सारी स्पेसिफिकेशन के साथ ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी ब्लैक हॉर्नेट नैनो की, और इंडियन आर्मी में भी इसका यूटिलाइजेशन करने की बात की जा रही है। तो इस तरह के ड्रोन्स फ्रेंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और जो कि अब इंडियन गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करने वाली है। तो इस तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी एक अनदर लेवल पे पहुंच चुकी है और तरफ अब इंडिया में भी आने। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तो मैं इस तरह की वीडियो और भी लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर लिखें आपको ये ब्लैक हॉर्नेट नैनो कैसा लगा, और अगर ये इंडिया में डेवलप किया जाए तो आप बताएं इसका क्या कॉस्टिंग हो सकती है, और ये कोई कंपनी जैसे महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियां इस ड्रोन को कॉपी तो क्या इस तरह का ये ड्रोन इससे बेटर बना दें, मेरे ख्याल से काफ़ी सस्ते में बना सकती हैं। और ये अगर इंडिया से प्रोडक्शन की शुरू हो जाए तो आप अनुमान लगाएं कि 1.5 करोड़ का ये ड्रोन बिक रहा है छोटा सा, तो इंडिया की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा अगर इंडिया में ऐसे ड्रोन की प्रोडक्शन शुरू हो जाए। तो ये बिगनिंग है फ्रेंड्स। तो ये एक फीचर वीडियो था, मैं हफ्ते में एक या दो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें आपको तरह तरह के ड्रोन्स जो एग्जिस्ट करते हैं और काफ़ी फ़ायदा कर रहे हैं वो मैं लाऊंगा, अगर आप इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो। थैंक यू फ्रेंड्स।